तो जी तबीयत तो ठीक है ने? अरे खड़ी क्या है बेटे, आने की खुशी में रात भर सोई नहीं क्या? जा जाके लेकर जल्दी से। नहीं जी, वो मुझे आपसे अच्छा लेकर चल, जल्दी से आरती करनी चल। अरे पहले अंदर सर, जा पहले आरती आरती उतारी जा। जी जी मुझे मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बात बात में करना जा। अब लग रहा है ना कि हमारा परिवार पूरा हुआ। शिखा आरती उतार, तेरा सुहाग सही सलामत वापस लौटा है। खत्म हुआ, जाओ अपने अपने घर जाओ। ये लो ये ले बेटा, ये लो, बाकी काम में बटवा देना। चलिए अब लोग अंदर चलते हैं। चल चलिए। रुक जाओ, दो दिन के लिए घर से बाहर क्या रहा, घर का हुलिया ही बदल दिया। शुरू से बोलता आया हूं ना, नहीं मानता हूं ये शादी। जब आओ को ये छोरी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं है तो यहां के संधि कैसे होगा, क्या करें यहां पर? जी जी, मैं आपको कल से बताने की कोशिश कर रही थी। आप कुछ जानते नहीं है, इन लोगों के साथ इनके घर में बड़ी आफत हुई, इसीलिए ये लोग हमारे साथ यहाँ रहे। कमला रानी, तूने संसार को बताया नहीं, मुझे तो लगा था कि तूने बता दिया होगा कि इसी का के माँ बाप और इसी का इसी घर में रह रहे। वाह 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 कमला रानी, बहुत चालाक हो। कौशल्या बहन, इसी का हमारी बहू है तो इस नाते ये तुझे बोला ना कि आओ ये शादी नहीं मानता हूं। तो नाम क्या है? ईशिका रुपेश पटेल। रुपेश पटेल, बोलो मोटी बहन, ये रुपेश पटेल है तो वगेलाओं की बहू कैसे हो गई, बोलो। तू गई थी शादी में, तुम गए थे शादी में, जब इस परिवार का कोई सदस्य शादी में नहीं गया तो ये शादी सब रीत और रिवाजों के साथ कैसे हो गई?
जी मैं आपको सब समझाती हूँ। एक मिनट मम्मी जी, मुझे बताने दीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे क्यों आना पड़ा। जो रणवीर ने आपके साथ जंगल में करने की कोशिश की, वही हमारे साथ घर में भी करने की कोशिश की। रणवीर ने आपको और उपेंद्र को मारने की कोशिश की, तो मुझे मेरी मम्मी पापा को भी मारने की कोशिश की। काश उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता ऐशिक, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। लेकिन अच्छा कि आप लोग यहाँ आ गए। अब आप लोगों को रणवीर भाई से डरने की जरूरत नहीं, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। कमला, जब तक आऊं जिंदा हूं, आऊं तय करूंगा कि वकेला निवास में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और आप कैसे माता पिता हैं? अब नहीं आती आप लोगों को? पिछली बार आए थे, उन्हें धक्के मार के निकाला था, अब फिर से मुंह उठाकर आ गए। शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए आगे आप खुद जाइए, या फिर कुछ लोगों को बुलाऊं। कब कब घर से निकाला था इशिका? कब? शमशेर भाई, हम लोग माफी चाहते हैं, आपकी गैरहाजिरी में आपको बगैर बताए आपके घर चले आए। माफ कीजिएगा। पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। आप अगर मुझे पहले बोलते कि आपके यहाँ पे बेइज्जती हुई है, तो हम यहाँ पे कभी नहीं आते। यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अभी के अभी जाएंगे यहाँ से। चलिए पापा, चलिए माँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा पापा। रुक जाइए, देखिए मेरे पापा की बातों का बुरा मत मानिएगा आप लोग। वो ऊपर से बहुत सख्त है, लेकिन अंदर से उतने ही नरम। बस वो क्या है ना, कभी कभी थोड़ा गुस्सा अपने पापा की तरफ से। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ पापा, लेकिन साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपसे। अगर आप लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। चलिए। एक मिनट, जी मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप लोग ऐसे मत चाहिए। मैं आप ही आई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे किससे बात नहीं करनी, चाहे यहां से। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं आज मांग रही हूं। इशिका और उसके माता पिता का इस तरह से अपमान मत कीजिए। आप भूल रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके बेटे को अपने घर में बहुत प्यार और इज्जत से रखा, तब जब आपने उसे अपने घर से बेघर कर दिया था। और अब वही लोग मुसीबत में हैं। मैंने तो दिल खोल कर उनका स्वागत किया है, और मुझे ऐसे लगता है कि आपको भी इशिका और उसके माता पिता के लिए अपने घर के दरवाजे खोलने चाहिए।
मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पर आपको ये करना होगा अपने बेटे के लिए। जरा सोचिए, आज वो लोग तकलीफ में है इसीलिए हमारे यहाँ रह रहे हैं, कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, पर इस समय अगर वो यहाँ से गए तो वो अकेले नहीं जाएंगे, हमारा बेटा रूपेंद्र भी उनके साथ चला जाएगा। सही ऐसा ना हो कि आप अपनी जिद पकड़कर बैठे रहे और अपने बेटे को जिंदगी भर के लिए खो दे। मैं अपना बेटा एक बार खो चुकी हूँ, अब फिर से नहीं खोना चाहती, और जितना मैं आपको समझती हूँ आप भी अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहेंगे, वो बेटा जिसे अपनी जान से ज्यादा आपकी जान प्यारी है। इसीलिए मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दीजिए। कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे साथ। और ये मैं हक से कह रही हूं। मुझे ये तो नहीं पता कि आपने ये सब कैसे किया, लेकिन जिस विश्वास और हक से आप ये कह रहे हैं उसे देखकर मुझे अच्छा लगा। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? अंदर चलिए। एक मिनट। रू, ये तूने बहुत अच्छा सोचा। हाँ किंजर, ला आरती की थाली दे, मैं अपने बेटे और बहू का स्वागत करूंगी। किंजर, कलश रख। इशिका, अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश कर। अरे रूप को क्या देख रही? तूने कहा था ना ये घर मेरा भी है, मेरा भी इस घर पे अधिकार है। तेरा और रूप का इस घर में रीति से स्वागत करना ये मेरी ख्वाहिश थी जो मैं आज पूरी कर रही हूँ।
अब लग रहा है कि सही मायने में इस घर की लक्ष्मी मेरी बहू घर आई है। श्रीमती कमला शमशेर सिंह बघेला के घर में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी बहू के लिए भेंट लाए हो, ये भी एक रस्म है। भेंट मेरी नई नवेली बहू को बहुत बहुत आशीर्वाद। देखने साड़ी ईशिका, ये घर परिवार तेरे लिए नया है और आज तेरा ससुराल में पहला दिन है। तेरी सासू होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं तुझे इस घर के नियम, तौर तरीके, रिवाज सब बताऊं। सबसे पहली बात, इस घर की सुहागन औरतें साड़ी पहनती, सर पे पल्लू रखती। तो कल से ये इलाज तू भी रखना मेरी तरह। क्या हुआ, कोई तकलीफ है? नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। पकड़। इस घर के तौर तरीके, नियम कानून तुझे शायद सख्त लगे, पर धीरज रखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तीसरी बात, इस घर की एकता कभी भंग ना। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि इस घर की एकता कभी ना टूटे और इस घर के सब सदस्य एक साथ रहे। इशिका, अब ये जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा तेरी है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ, जानती हूँ कि मैंने तुझसे जो कुछ भी कहा या मैं तुझसे जो कुछ भी चाहती हूँ ना, वो तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। दिल से कोशिश करना और इस घर के रंग में रंग जाना, जैसे जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है ना, बिल्कुल वैसे। क्योंकि मैं समझ गई कि रोग तुझसे बहुत प्यार करता है और मैं ये भी जानती हूँ कि रूप अपने पापा से भी बहुत प्यार करता है और रूप के पापा रूप से। हाँ, दोनों की सोच अलग अलग है, इसीलिए टकराव होते रहते हैं। तू पूरी कोशिश करना।
मेरे लिए, रूप के लिए। मामी जी मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। कैसे खोलूं? जब इतना दर्द हो रहा है तो हेल्प के लिए नहीं बोल सकते थे? नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं। अरे इधर, सॉरी, ज्यादा जोर से तो नहीं लगा, मैं कर रही हूं ना, रिलैक्स। दर्द हो रहा है? मेरे दर्द में अब तुम्हें भी दर्द होते हुए देख, ये दर्द भी मुझे मीठा लगने लगा है। क्या हुआ? रूप, इसी का खाना तैयार है तो आ जाइए आप लोग। ऐसे हम वेट तो कर ही रहे, थोड़ा और वेट कर लेंगे, ऐसे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से टाइम लीजिए अपना। हाँ किंजल बहन, हम आ रहे हैं। आराम से आओ। हाँ हाँ ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, चले। मैं खाना परोसने में उनकी मदद करके आती हूँ। एक मिनट, इसी का जो हुआ, मैं उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। पापा ने बहुत कुछ कहा तुमसे, तुम काफी हर्ट हुई होगी, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम किसी बात की कोई चिंता मत करना। अच्छा लगे बुरा लगे हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करना, चुप मत रहना, इस घर में अपने आप को कभी अकेला फील मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं हर घड़ी हर पल। जानती हूं, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देते तब तक तुम पे नजर रहेगी मेरी। नो एस्केप। बड़ी जरूरी काम, मैं कंप्लीट करके आता इशिका। इस घर की सुहागन औरतें साड़ी पहनती, सर पे पल्लू रख के। आ जाए इशिका। हमने उन्हें बुलाया है, वो अभी आते हो, आप बैठिए। आइए रुपेश भाई, कंचन भाभी, बैठिए खाने के लिए।
बेवई जी, हम ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि बेटी के ससुराल जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, उसके लिए जरूर कोई भेंट सौगात ले जाते हैं। उसकी घर का पानी पीना भी बेटी के माँ बाप के लिए वर्जित होता है, लेकिन हम जिस हालात में घर से निकले हैं उन हालातों में आपके लिए कोई भेंट सौगात नहीं ला पाए, तो हम मैं जो गहने पहनकर घर से आई थी वही गहने आपको भेंट के रूप में देना चाहती हूँ। शमशेर भाई, इन हालातों में हमसे जो बन पड़ा उसे भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। क्या हुआ? बोल दे इनसे कि मुझे इनकी कोई भी चीज नहीं चाहिए, ना ये गहने और ना ये रोज रोज के नए रिश्ते बनाने की तरकीबें सोचना बंद करें। आपको इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना है। मैं आपको पापा कहता हूँ, ऐसे ही नहीं कहता। आप मेरे पिता समान ही हैं। मैं आपको मम्मी कहता हूँ, ऐसे ही नहीं कहता। आप मेरी दूसरी माँ ही हैं और आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, मैं दिल से करता हूं। थैंक यू बाबा, अगर आप आज ये गहने रख लेते तो मैं तो शर्म से ही मर जाता। अरे तुझे शर्म क्यों? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अपने घर में चलना भी दुश्वार हो गया। सॉरी शिखा, वो पापा कभी कभी थोड़ा अंडरस्टैंड। तुम अपने पापा को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो ना, लेकिन जो तुमने मेरे मम्मी पापा के लिए किया उनकी इज्जत रखी उसके लिए थैंक यू। तुम यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, फिर भी मुझे लगता है मेरी मम्मी पापा का यहाँ पे रहना। डोंट वरी, तुम्हारे मम्मी पापा पटेल निवास जाएंगे, लेकिन पूरी इज्जत और हक के साथ। और इस बार जब जाएंगे तो उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा पेशेंस भी। अगर अपने छोरे और उस छोरी की तरफदारी करने आई है तो उल्टे पांव लौट जा।
मैं तो आपको गाजर का हलवा देने आई थी। मीठा खा के क्या करूं कमला, जब घर में इतनी कड़वाहट है। अरे अपना छोरा मुंजा शेर सपना था वो मेरा, आज कमजोरी बन गया कमला। अपने बाप की दुखती नफ्स बन गया। हाँ उसे दरोगा बनाना चाहता था कमला। देख अब मुझ ठीक से आई नहीं, उसे पहले शादी करके आ गया, बोलते ये धनिया नहीं है, ऐसी छोरी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उधर देखा तूने, अरे वो पटेल को पापा बोल रहा था, उसका ससुराल उसका पापा हो गया, और अपनी सास को मम्मी बोल रहा था, वही हो गए उसके मम्मी पापा। आपकी तो सारी उम्मीदें ही मर गई है जी। आप एक बार रूपेंद्र की तरफ से भी सोच कर देखिए ना, आप तो सिर्फ उसके ऐब देख रहे हैं, उसकी अच्छाई भी देखिए। अपने रूपेंद्र की परिस्थिति, उसकी परिस्थिति और आओ की परिस्थिति, उसका क्या, आओ के मान सम्मान का क्या, बोल। ऐसा लगता है जैसे अपना इकलौता छोरा, उसके जीवन में बाप की कोई अहमियत ही नहीं है। आप जानते हैं ये सच नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि तो बस कमला ये जानता हूं कि मेरा छुरा इससे पहले भी अपने बाप से दूर हुआ है, और इस बार आऊं हार गया, क्योंकि आज एक बेटा अपने बाप के सामने एक लड़की की वजह से बगावत कर रहा है। कमला सिर्फ एक लड़की की वजह से आपको क्यों एहसास नहीं हो रहा है, ईशिका सिर्फ एक लड़की नहीं, रूप की धर्म पत्नी है। उसकी जीवन संगिनी है। अंदर बाप की बेइज्जती करके पेट नहीं भरा था तो जा, जो बाहर आ गया बाप की बेइज्जती करने के लिए है? एक तो बाहर बाप की जान बचाता और फिर अंदर उसी बाप की बेइज्जती करके उसकी जान लेता है। मजबूरी है आऊं। पापा सबसे बड़ी मजबूरी तो ईशिका के माता पिता की, इतने बुरे हालातों में उन्हें यहाँ हमारे साथ इस घर में रहना पड़ रहा है। पापा आपके कहने पे मैं घर तो आ गया, और मैं आपके साथ रहना भी चाहता हूँ, लेकिन पापा तब की बात में और अब की बात थोड़ा फर्क है। पापा अब मैं शादीशुदा हूं, तो मेरे साथ साथ आपको मेरी पत्नी और उसके माता पिता को भी स्वीकार करना होगा। अब वो लोग भी मेरी जिम्मेदारी है, जिस तरह आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, मम्मी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह से ईशिका के माता पिता भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पापा जैसे मैं आपके साथ कुछ गलत होता हुआ कभी नहीं देख सकता, वैसे ही
ईशिका के माता पिता के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकता। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख पहुंचता है मुझे कि मुझे आपके खिलाफ जाकर कुछ कहना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। ये मैं कभी नहीं करना चाहता पापा, लेकिन एक बार के लिए मुझे लगा था कि मुझे मेरा रूपेंद्र मिल गया, लेकिन आऊं गलत था, भ्रम था वो मेरा। अरे जो मर्द अपनी दनियानी के माता पिता के सामने जमाई राजा की ऐठन की बजाय एक वेटर की तरह उनकी कुर्सी खींचे, उनका घर जमाई बन के रहे, ऐसे को आऊं मर्द ही नहीं मानता। पापा असली मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत कर, कमजोर की रक्षा कर, अपने से बड़ों का मान करे, सम्मान कर, फिर वो चाहे किसी के भी माता पिता क्यों ना हो। पापा आप बस थोड़ा समझने की मुझे कोशिश कीजिए। हाँ समझ रहा हूँ, जोरू का गुलाम बन गया ने, अब इसी उसी छोरी की भाषा बोल रहे तो, और उसी के माँ बाप तूने अपने माँ बाप बना लिए और कुछ नहीं। पापा मेरी बात तो, आज भले ही आप मेरी बात ना माने पापा, लेकिन एक ना एक दिन आप मेरी बात मानेंगे भी, समझेंगे भी। क्या बात साड़ी नॉल नाइस। मम्मी जी ने बोला पहनी तो पहनी, लेकिन खुद से पहनी है ना, साड़ी भी एकदम परफेक्ट और मेरी स्किन, यू नो, तुम ट्राई करके देखो। स्किन तो परफेक्ट है, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी साड़ी के लिए नहीं बोल सकता। तुम्हें क्या पता कितना डिफिकल्ट होता है साड़ी पहनना। मैं क्या करूं, पहनी नहीं जा रही, इतनी मुश्किल से पहनी थी मैंने। तो कहो मैं पास या फिर तो, अगर मेरा साड़ी पहनना तुम्हें इतना पसंद आया तो मैं तुम्हारी ऐसी हेल्प रोज कैसा है बाबा। घाव तो भर रहा है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है 3 दिन बाद, उसके बाद देखते हैं वो क्या बोलते हैं। आप बैठ होने की जरूरत नहीं, जय अंबे मम्मी जी।
जी अम्मी। जय बोले ना चलते रहे मेरे मुंह और हाथ ले कसर लेगा ले। शमशेर अब घर में अनचाही बहू आई गई है तो क्या कर सकते हैं? लेकिन नई बहू तो है तो पहली रसोई की रस्म तो होनी चाहिए ने? हैं? होना तो बहुत कुछ चाहिए मोटी बहन। सही कह रहा है तू लेकिन हेलो रसोई का लिस्ट बना सकोगी ने किसी का वो जी पाइपा रसोड़े में तो ना मिक्सी है ना गैस। ईशिका खाना कैसे बनाएगी? ईशिका तू 21st century की लड़की है, 20वीं सदी के कुकिंग स्टाइल को मैनेज कैसे करेगी? हे भक्कू प्लीज मदद करना। अच्छा रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, कूल डाउन एंड कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले सब्जियां काटनी है। आगे गैस ऑन करनी है। गैस तो है ही नहीं। ये पल्लू से पल्लू भी मेरे सर पे नहीं टिकता है। पता नहीं मम्मी जी कैसे अपने सर पे टिकाती हैं। चूल्हे के लिए लकड़ियां, पहली रसोई मुबारक हो इसी का वो। कुछ ही दिनों में तू भी कोयले जैसी काली पड़ जाएगी। हेलो हेलो ये वागेला हाउस से बोल रहे हैं? मैम मैं बैंक से बात कर रही हूँ, आपसे ना थोड़े सवाल पूछने थे। अच्छा आप पूछो। आप क्रेडिट कार्ड लेंगी क्या? क्या लूंगी? अब जो भी करना है जल्दी करना है, इससे पहले फाइबा आ जाए मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। पानी पी लो, इससे पहले फाइबा आ जाए मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं पर वो तो चीटिंग होगी ना। उसे चीटिंग नहीं कहते, उसे वादा निभाना कहते। मैं तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।
कि चाहे वो घर के बाहर है या किचन में, पानी पियो पहले। तो कढ़ाई दो। अभी नहीं चल रहा है। लेकिन रोटी जल रही है, वो देखो। मुझे यहां देखकर कैसा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है? खैर बताइए कैसे हैं? याद रखिएगा, जो मैंने कहा था मैं वो करके रहूंगा। आपके और आपके लाडले बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रहूंगा। वैसे गुस्सा बहुत आ रहा होगा ना रुपेंद्र पे? एक मौका था उसके पास मुझे जेल भेजने का, वो भी गवा दिया। मौका वो नहीं जो बीत जाए, मौका वो होता है जो कामयाबी में बदले। खैर ऐसे मौके आगे भी आएंगे, नहीं आए तो आऊं पैदा करूंगा और करता रहूंगा जब तक तुझे सलाखों के पीछे अच्छे से कुटते हुए, पिटते हुए, सूखते हुए देखने लेता। तो जहां मोटा काका होने, जहां तुझी सोच खत्म होती है ने, आऊं की सोच वहीं से शुरू होती है। रिश्तों की इज्जत नहीं करता, कम से कम वर्दी की तो किया कर। तो ये मौका है, सुधर जा। दरोगा बन गया है। वाह भाभी, आपने इतना सारा खाना इतनी जल्दी बना लिया, वो भी चूल्हे पे। वाह क्या बात है। अरे समसेर, खाना तो हम रोज खाते हैं लेकिन आज का खाना हम मनोरंजन के साथ खाएंगे। अरे गोड़ी, टीवी चालू कर जा। पर फैबा, आप तो खुद ही कहती है ना कि टीवी के। हाँ मुझे मालूम है, मैं ही कहती रहती हूँ कि खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज वो क्या कहते हो तुम लोग, चेंज। आज सब चेंज हो, आज हम टीवी देखते देखते खाना खाएंगे। ले ये मेरा फोन है ना, वो टीवी के साथ तू लगा के चालू करती है ना, ऐसा कर। दकड़े लो।
का मनोरंजन। ये क्या मजाक है रसम का?